ठीक है, पहले आप रिलेट करना सीखो। ये कहता है कि देखो ये फिगर दिया हुआ है, इस वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स की वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ सी, सी वाला किधर जा रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि अगर ये सिक्स है, सिक्स है, फोर है, तो ये फोर से ही ऊपर जा रहा होगा भाई, कॉमन सेंस देखने से लग रहा है भाई सिमेट्री। ठीक है, बट ऐसे नहीं बोल सकते निकाल के हम, कई बार एक कॉमन सेंस काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर अब मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो या तो मैं चारों पे लगा दूँ सिग्मा टी डॉट ए, एक आइडिया ये है कि मैं इन चारों पे लगा दूँ सिग्मा टी डॉट ए, और एक आइडिया ये है कि मैं बी और सी के लिए लगा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इन चारों पे लगाऊंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इसी पे लगा देता हूँ तो इस वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी है तो इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन टी हो जाएगी, तो इन दोनों पे ही मैं लगा देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों पे लगा दूँ तो ये नीचे आ रहा तो ये आ जाएगा माइनस फोर टी। ठीक है, और ये किधर जा रहा मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये मान ये ऊपर जा रहा होगा तो ये प्लस प्लस वेलोसिटी बी टी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये फोर मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है क्योंकि मैं ऊपर लिया था। ठीक है, अब अगर अगर मान लो मैं इसको मान लू कि नीचे आ रहा है, ठीक है, मान लो तुम्हें पता नहीं है किधर जा रहा है भाई, मान लो नीचे आ रहा है, तो अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस फोर टी और टेंशन ऊपर लगा और ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस वी टी दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वी इज इक्वल टू माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अजम्पशन जो है वो गलत है, आपने नीचे इसको माना था नीचे, और नीचे आने के लिए जो वी है वो प्लस आना चाहिए, क्योंकि ठीक है अगर ये प्लस आता, प्लस आता तो आपका अजम्पशन सही होता, ये नीचे जाता, लेकिन ये तो माइनस आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो V है, जो C वाला ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है प्लस फोर मीटर पर सेकेंड से। प्लस एंड माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। ठीक है ना, चलो।